तब तक मैं आपको बताता हूं। ये जरा चश्मा दिखा लो सर, वीडियो नहीं बना रहा हूं। ठीक है ठीक है, बहुत छोटा है और सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, अच्छा रिजल्ट हो जाएगा आपको। मैं आपका स्कैन भी दिखाता हूँ, लोड हो रहा है। देखो जब यहाँ से आप हाइट बढ़ाओगे अपने आप वेट कम हो जाएगा, आपको ज्यादा वेट कम करने में नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन हाइट बढ़ा रहा है पक्का। तो हाइट जब बढ़ेगा पक्का, तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का जो प्रॉब्लम है आपका। ये आपका सेप्टम बिल्कुल स्ट्रेट है, लकीर की तरह है, बिल्कुल अंदर प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ऑगमेंटेशन मतलब नोज का हाइट को सब कुछ बढ़ाना। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा रिब भी, तो आपको हमारे साथ 10-11 दिन रहना पड़ जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। सर्जरी के बाद आपको और 10 दिन छुट्टी लेना पड़ेगा, टोटल 20 दिन। और दूसरी बात, खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये चश्मा नहीं पहन पाओगे आप थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि ये नाक पे बैठता है। तो ये आप एक महीना इसके बिना कॉन्टैक्ट लेंस है बस, तो यूज करो एक महीना। तो वो ले लो, कॉन्टैक्ट लेंस ले लो, उससे आप कर सकते हो। ठीक है ना, और कोई डाउट है पूछ लो, रिस्क नहीं है कुछ भी। ब्लड टेस्ट करवाना है पूरा, जो एनेस्थीसिया डॉक्टर बेहोश करवाते हैं वो भी आपको देखेंगे, और अगर सब कुछ ओके है तो प्लान कर लेंगे सर्जरी। कब तक हो सकता है आपके ऊपर है, आप चाहते तो मंडे भी हो सकता है, नहीं तो ट्यूजडे हो सकता है, अगला हफ्ता अगला महीना। नहीं सर जल्दी करवाऊंगी, तो मंडे हो सकता है ना जल्दी, सबसे आज भी हो पाएगा। हाँ तो हो गया, सैटरडे संडे नहीं है, एक दिन तो छुट्टी चाहिए मुझे, मतलब पूरा ये हर सप्ताह हर रोज सर्जरी सर्जरी करके सब इतने दूर गए आ गए, थक पांच दिन लग जाएंगे सर। सोमवार करते तो प्लीज, आज कल नहीं हो, 20 दिन होना पड़ेगा सर। 20 दिन दे, 10 दिन 11 दिन, ठीक है। तो रेडी बनी उठ रहे आज इनके पास जाके ना, आप पूरा रेडी कर दीजिए ना सब कुछ, मतलब जो आपका ब्लड टेस्ट है सब कुछ क्लियरेंस कर दो आप। बस साइड में कटिंग ज्यादा नहीं होगा आपका, वो मेन नहीं है, ये हाइट और ये टिपी मेन है। डन, ठीक है, चलो।